तो कैसे हो मेरे भाइयों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करने जा रहे हैं ह्यूंडई वेन्यू डीजल के SX और SX ऑप्शनल वेरिएंट के बीच में, और आपको बताएंगे इन दोनों ही वेरिएंट के बीच में आपको कितने प्राइस और फीचर का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो डिटेल कंपैरिजन के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाहन ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो कंपैरिजन की शुरुआत होती है सबसे पहले दोनों के प्राइजेस और उनके डिफरेंसेस के साथ। तो वेन्यू का SX डीजल वेरिएंट जो है वो आपको 11,42,500 रुपीज के एक्सशोरूम कॉस्ट पर मिलता है, जबकि SX ऑप्शनल के लिए आपको करीब 12,32,000 रुपीज एक्सशोरूम कॉस्ट पर पे करने होते हैं। डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो करीब आपको 89,500 रुपीज का एक शोरूम कॉस्ट पर डिफरेंस इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में देखने को मिल जाता है। तो आप जानते हैं कि 89,500 रुपीज के डिफरेंस में आपको फीचर के कौन कौन से डिफरेंसेस इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में देखने को मिलते हैं। तो दोनों के बीच सबसे पहला जो फीचर का डिफरेंस है वो है एयर बैग्स का। SX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर आपको टोटल 6 एयर बैग्स दिए जाते हैं, लेकिन SX वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ 2 एयर बैग्स ही मिलते हैं। दूसरा डिफरेंस आता है एम्बिएंट लाइटिंग का। SX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर आपको जो है वो एम्बिएंट लाइटिंग भी ऑफर की जाती है, जो कि SX वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलती। तीसरा डिफरेंस आता है एयर प्योरीफायर का। SX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर आपको जो है स्मार्ट एयर प्योरीफायर भी दिया गया है, जो कि SX वेरिएंट में आपको नहीं मिलता। चौथा डिफरेंस आता है सीट के एडजस्टमेंट का। SX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर आपको जो है वो पावर एडजस्टेबल सीट दी गई है, लेकिन SX वेरिएंट के अंदर आपको जो है वो आपको मैनुअल एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं। पांचवा डिफरेंस आता है दोनों के म्यूजिक सिस्टम के बीच। SX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर आपको जो है वो 8-inch स्क्रीन के साथ HD टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ साथ ब्लू लिंक, एम्बियंट साउंड ऑफ नेचर, होम टू कार एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और ओवर द एयर अपडेट जैसे कई सारे फीचर्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं। लेकिन SX वेरिएंट के जो म्यूजिक सिस्टम है वो आपको 8-inch का तो मिलता है, लेकिन ये HD नहीं है। यहाँ पर आपको जो है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। छठा डिफरेंस आता है सीट अपहोल्स्ट्री का। तो SX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर आपको फैब्रिक प्लस लेदर यानी कि सेमी लेदर सीट अपहोल्स्ट्री ऑफर की जाती है, जो कि SX वेरिएंट में आपको फुल फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री के साथ मिलती है। सातवां डिफरेंस आता है आउटसाइड डोर हैंडल का। SX ऑप्शनल वेरिएंट में आउटसाइड डोर हैंडल आपको क्रोम प्लेटेड दिया गया है, जबकि SX वेरिएंट में आपको ये बॉडी कलर का मिलता है। आठवां डिफरेंस आता है टेलीमेटिक्स का। तो SX ऑप्शनल वेरिएंट के अपने इनसाइड रियर व्यू मिरर के ऊपर आप देखेंगे तो आपको वहां पर SOS, RSA और ब्लू लिंक का बटन देखने को मिल जाता है, जो कि SX वेरिएंट के मिरर के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि दोनों ही वेरिएंट के अंदर आपको मैनुअल टाइप जो डे नाइट IRVM है वो ऑफर किए जाते हैं। और नवा डिफरेंस आता है बर्गरल अलार्म का। दोस्तों SX ऑप्शनल वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पर्पस के लिए बर्गरल अलार्म का भी फीचर ऑफर किया जाता है, जो कि SX वेरिएंट के अंदर आपको नहीं दिया जाता। तो दोस्तों ये थे नो डिफरेंसेस इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में। इसके अलावा कोई 10वां डिफरेंस आपको इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में देखने को नहीं मिलता। उम्मीद करते हैं आपको ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाहन ऑफिशियल।